हीरो मोटोकॉर्प गोगोरो नाम की एक ताइवानीज कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रही है गोगोरो ताइवान में इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचती है और अपने देश में उन्होंने 2080 बैटरी स्वैप स्टेशन बना के रखी है इन स्टेशन में हर दिन दो लाख बैटरी स्वैप होते हैं हीरो मोटोकॉर्ट गोगोरो की इसी बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारत में अपनी ई माइस्ट्रो स्कूटर को लॉन्च करने वाले है स्कूटर देखने में बिल्कुल ही अपनी पेट्रोल वर्जन की तरह दिखती है पर इसकी व्हील्स ब्राउन कलर के है और इसमें है फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसमें आपको स्पीड ओडोमीटर बैटरी परसेंटेज सभी मिल जाएंगे स्कूटर की अभी रेंज मोटर स्पेसिफिकेशन इत्यादि तो सामने नहीं आई है लेकिन इसकी मैक्सिमम स्पीड साठ से अस्सी किलोमीटर प्रति घंटे के बीच में रहने की अनुमान लगाई गई है इसी साल के साल के के अंत में में अथवा आने वाले शुरुआत इसकी लॉन्च होने वाली है इसकी कीमत एक लाख से एक लाख बीस हजार रखी जाएगी पर हाँ मार्केट में बढ़ते हुए कंपटीशन को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद हीरो मोटोकॉर्प गोगोरो की स्कूटर भी यहाँ भारत लॉन्च कर सकती है अधिक जानकारी मिलते ही इसी चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और संकल्प करे विद्युत चुने